हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। अफ्रीकन क्वालिफायर्स लीग का सेकेंड मैच हो रहा है लाइबेरिया वर्सेस टोगो के बीच। इसके बाद चार वुमेन मैच है, कोशिश करूँगा चारों कवर करने की, वीडियो बनाने की। दूसरी थिंग ये है कि कल से एएफसी मैच चालू, एएफसी लीग के और यूईएफई नेशंस लीग के। तो ये तो जैकपॉट है, मैक्सिमम जैकपॉट होते हैं। आपको याद होगा कि अभी ये ऐड भी हुए थे लगभग 2 महीने पहले, तो उस भी कितने अच्छे हमारे एक हफ़्ता पूरा गया था, याद होगा आपको, इंटरनेशनल। तो ये वही मैचेस हैं, सो डोंट मिस एनी अपडेट भाई। मैं तो आपको ये राय दूंगा कि आपने भले कोई मैच खेला हो ना खेला हो इन 4 दिनों में, मुझे पता है इन 3-4 दिनों में कोई भी इतना एक्टिव नहीं रहा क्योंकि फ़ुटबॉल के मैच ही नहीं थे, लेकिन इन मैचों के लिए तैयार हो जाओ। ये एक कल से शुरू होंगे 2:40 से, सबकी वीडियो मिलेगी इसी चैनल पे। सो डोंट मिस एनी मॉर्निंग नाइट मैच, जितने आप खेल सको जो आपका इच्छा अनुसार। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जो भी टीम ओपन आएगी, कोई भी अगर मैं टीम ओपन देता हूँ तो शेड्यूल इधर आता है उसका एक मैच से 1-2 घंटे पहले, तो इसलिए यहाँ पर जुड़ जाओ, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आगे चलते हैं, तो लाइबेरिया की बात करें। देखिए भाई, लाइबेरियन टोगो दोनों टीमें ना बहुत ज़्यादा बेकार है। मतलब अफ्रीकन लीग में अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ, दोनों टीमें टॉप 100 से पीछे हैं। लाइबेरिया टीम की बात करें तो ये बहुत ही पीछे है, इनकी नंबर आई थिंक 130 अक्रॉस होगा। और जो ये है टीजीओ, ये टीम थोड़ी रैंकिंग में इनसे अच्छी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि फेवर की जहाँ तक बात है तो हम इनको फेवर करेंगे। विनिंग चांसेस की बात करें देन अराउंड 75% विनिंग चांसेस आर ऑफ टीजीओ एंड 25% है लाइबेरिया के। और गोल रेशियो की बात करें, देखो भाई अफ्रीकन लीग है, गोल का कुछ कह नहीं सकते। मोस्ट प्रोबेबल स्कोर है 2-0 या 2-1, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और स्ट्राइकिंग की बात करें। देखिए भाई, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर इनका एक प्लेयर ऐड हुआ है, कोडजो लाबा। इससे बेहतरीन खिलाड़ी पूरी टीम में नहीं होगा, पूरी टीम में। आप भले लाइबेरिया के सारे प्लेयर ले आओ, आप इनकी टीम के सारे प्लेयर ले लो, इससे बेहतर कोई प्लेयर नहीं। ये खेलता है यूएई प्रो लीग में, यूएई का खिलाड़ी जो प्रो लीग में खेल रहा है वो यहाँ पर चलेगा ही चलेगा, किसी का बाप भी उसको रोक नहीं सकता गोल करने से। इसका गोल रेशियो के आगे कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है सेकंड बेस्ट प्लेयर, जिसका नाम है केविन डेंके। मैंने इसका रिकॉर्ड देखा, मैं दंग हो गया, मैंने कहा ऐसे ऐसे प्लेयर हैं इस टीम में। ये बंदा जिस लीग में खेलता है वहाँ पर इसने अराउंड 20, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो 20 या 30 मैचेस खेले थे, जिसमें इसके गोल थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक बार मेरे को ना चेक करने दो, 2 मिनट मैं एक बार वीडियो पॉज कर रहा हूँ। हाँ, तो इसने लास्ट सीज़न 38 मैच खेले थे जिसमें गोल किए थे 27। इस सीज़न 13 मैच खेल चुका है और कर चुका है 7 गोल। गोल रेशियो अबव 70% रहता है इसका होल सीज़न में, तो बहुत बड़ा प्लेयर है। उसके बाद इनका कोई प्लेयर खेले मुझे मतलब नहीं, मैंने 2 प्लेयर ले लिए। सो ऑपोजिशन टीम की बात करें तो इनके बहुत नॉर्मल प्लेयर है। इनका डब्ल्यू गिब्सन बहुत एवरेज है, जिसको जगह मिली। उससे पहले एर्नेस्ट खेलता था तो मैं एर्नेस्ट को लेता, लेकिन जगह मिली तो गिब्सन के साथ जाएंगे। मिडफील्डिंग की बात करूँ तो ऑस्कर डोरले को ले लो, या फिर ऑस्कर डोरले के बाद ना एक्चुअली मैंने लेना था एक इनका प्लेयर, मैं आपको बताता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को इनके इस प्लेयर के साथ जाना था जिसका नाम है डिवाइन, बट एक्चुअली ड्यू टू एम संगारे मैं इसके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि संगारे थोड़ा लेवल में थोड़ा ऊपर हो जाता है इनसे। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें तो जिसको हम फेवर कर रहे हैं, तो देखिए इतने सारे प्लेयर हैं, इनमें कई प्लेयर नए ऐड हुए हैं जो रेगुलर नहीं खेलते, तो इसलिए उस चीज़ को नज़रअंदाज मत करना। पहले अगर मैं पहले खिलाड़ी से बात करूँ तो इनका एक प्लेयर है अलेक्सिस रमाओ, जो कि बहुत एवरेज है। अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो बहुत एवरेज, बिल्कुल, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि लगते ही गोल गोल कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। तो मेरा मतलब ये है कि इतने एवरेज प्लेयर को अभी आप सेव तो कर लो, लेकिन मैं इसका रिप्लेसमेंट बता दूं कि इतने सारे प्लेयरों में अगर मैं रिप्लेसमेंट की बात करूं तो एक प्लेयर है इनका डी कारिम, तो ये इसकी रिप्लेसमेंट बन सकता है, क्योंकि डी कारिम ना बड़े बड़े मैचेस में कई बार अच्छा कर देता है। गोल रेशियो इज़ अराउंड 45%, जो कि बहुत अच्छा है एज अ मिडफील्डर। तो डी कारिम पे नज़र रखेंगे मेरे जितने भी भाई हैं जो ग्रैंड लीग खेलते हैं या जो रिस्क टेकिंग स्मॉल लीग खेलते हैं। और डिफेंडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर है ओ डीजीएन, ठीक है, एंड द नेक्स्ट प्लेयर इज़ अवेयर, ठीक है, ये दोनों तो चलो हो गए कॉमन। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इनका एक प्लेयर है वाई अटे और के बॉटेंग, ये दोनों बहुत मेन है। इनकी सिलेक्शन कम है, लेकिन पहली बार मैं थर्ड डिफेंडर को और फोर्थ डिफेंडर को मेन बोल रहा हूँ, तो ये ना छूटने पाए भाई, ये प्लेयर नहीं छूटे। उसके बाद अगर गोल कीपिंग की बात करें देन ए कोलिबाली, जो भी खेलेगा लाइबेरिया का, एक्चुअली आई थिंक मैं जिंदगी का दूसरा मैच ही कवर कर रहा हूँ, इससे पहले तो अफ्रीकन लीग में बड़े बड़े मैच ही ऐड होते थे, तो मेरे लिए लाइबेरिया थोड़ी नहीं है, बाकी मैं प्लेयरों को जानता हूँ तो ये थोड़ी ही फ़ायदा हो गया। देखिए लोग कप्तान रख रहे हैं ऑस्कर को, तो देखो हक बनता है ऑस्कर का गोल करने का, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरी नज़र में द मेन कैप्टन ऑप्शन इज़ कोडजो लाबा और वाइस कैप्टन है के डेंके। इनके अलावा बदलना मत, क्योंकि जितना विश्वास मुझे इन पे है शायद आपको भी किसी पे नहीं होगा। कोडजो लाबा एंड के डेंके का गोल रेशियो 70-80 से ऊपर है, जो कि फुटबॉल में अफ्रीकन लीग में होता ही नहीं है,
तो ये एक ऐसी टीम है जो बकवास है, लेकिन प्लेयर इनके टॉप है, तो सो डोंट टेक रिस्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।